कॉन्ग्रेचुलेशंस गर्ल्स, अब सभी हमारे तीन वीडियो पहले वाले पोके क्विज के विनर, एंड फाइनली आज की वीडियो के अंदर आप सभी हो चुकी हो फीचर। एंड कहता आप सभी को मिलते हैं एक प्यारा सा शाउट आउट। एंड कहता अगर अभी हमारे अगले वीडियो के स्टार्टिंग में फीचर होना चाहते हो तो आपको इस वीडियो के लास्ट में एक पोके क्विज मिलेगा। आपको सिंपल से उसका आंसर कमेंट के अंदर डाल देना है तो आपको अगले वीडियो के स्टार्टिंग में शाउट आउट मिल जाएगा। तो अब वीडियो की ओर बढ़ते हैं। सो हे देयर बॉयज एंड गर्ल्स एंड वेलकम बैक अगेन विद द न्यू एंड गाइस। टाइटल एंड थंबनेल देखकर आपको वीडियो के बारे में पता ही चल गया होगा, फिर भी मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि आज के वीडियो के अंदर हम क्या करने वाले। सो गाइस आपको पता होगा दो या फिर तीन दिन पहले पोकेमोन जर्नीज का जो न्यू ओपनिंग सॉन्ग आएगा, आज की वीडियो के अंदर हम उस पोकेमोन जर्नीज के न्यू ओपनिंग सॉन्ग के जो हिडन डिटेल्स हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ऐसा चाहते तो ओपनिंग सॉन्ग के कुछ अनआंसर्ड क्वेश्चन, कुछ जो है डाउट जो आपने मेरे पिछले वीडियो के अंदर पूछे थे एंड मैं उनके आंसर बता नहीं पाया था जब मैं ओपनिंग देख रहा था, तो मैंने एक एक हर छोटी से छोटी डिटेल जो है छान लिए, उसकी इंफॉर्मेशन ढूंढ लिए। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको हर एक डिटेल अच्छे से एक्सप्लेन करने वाले हूँ। और गाइस साथ ही साथ में आज की वीडियो बहुत बड़ी होने वाली है, आप देख सकते हैं वीडियो का लेंथ पहले बहुत ज़्यादा बड़ी है, तो मैंने आपकी हेल्प के लिए गाइस जो वीडियो में जो गाइस टाइम स्टैम्प लगा दिए। बेसिकली आप डिस्क्रिप्शन के अंदर जाओ, वहाँ पे जो टाइम स्टैम्प आपको देखना है सिर्फ वही जाके देखो सीधा, इससे आपका टाइम बचेगा, आपको सिर्फ जो वाला पार्ट देखना है आप वही देख सकते हो। सो गाइस विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइस फर्स्ट डिटेल जो है वो है गो के सुकून के बारे में। जी हाँ गाइस, ओपनिंग सॉन्ग के शायद से स्टार्टिंग में सबसे फर्स्ट वाले सीन के अंदर हमने देखा था, जहाँ पे उस सीन में जो है बेसिकली गो के सारे बग टाइप पोकेमोन हमें दिख रहे थे। अगर आपने देखा नहीं तो आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, वो क्लिप प्ले हो रही होगी। तो पीछे आप देख सकते हो सिर्फ शायद से दो या फिर तीन सेकेंड के लिए जो गो का सुकून जो है उस पीछे वाले पेड़ पर आया था, दूसरे सेकेंड वो वापस से उठकर चला गया। तो बेसिकली गाइस आने वाले एपिसोड के अंदर गो का सुकून फिर से अपीयर होने वाला है एंड शायद से इस बार जो है गो के साथ मिलकर वो बैटल करे। बस बेसिकली उतनी औकात नहीं थी गो के, लेकिन फिर भी उसने एक लेजेंडरी पोकन पकड़ लिया। बेसिकली आपको एक लेजेंडरी पोकन ट्रेनर है तो वो अपने पोकन को कभी भी यूज कर सकता है, बैटल कर सकता है। तो अब आने वाले एपिसोड के अंदर शायद से वो दोनों मिलकर बैटल करें। अब फर्स्ट डिटेल इतनी ही थी। सो गाइस जिसके अगले सीन के अंदर हमने देखा था गाइस डॉन को, क्लोई को, एश को एंड गो को, जिन चारों ने गाइस जैकेट्स पहनी हुई थी एंड गाइस देखने से तो लगता है यहाँ पे क्रिसमस हो रही है। आप देख सकते हो यहाँ पे दो से तीन क्रिसमस ट्री भी लगे हुए हैं। सो गाइस बेसिकली पता नहीं यार कितने हज़ारों बार वापस से डॉन रिटर्न करने वाली है। जी हाँ गाइस, जितनी बार मतलब इस एनिमे के अंदर जितनी बार क्लोई एपिसोड के अंदर अपीयर नहीं हुई उससे ज़्यादा तो मुझे लगता है डॉन अपीयर हुई होगी एंड फिर से आने वाले एपिसोड के अंदर डॉन अपीयर होने वाली है। एपिसोड का नंबर मुझे मत पूछना, सिर्फ आने वाली है इतना पक्का है। तो अब नेक्स्ट डिटेल देखते हैं। एंड गाइस अगले सीन के अंदर हमने देखा गाइस अलोला के जितने भी ऐश के कंपेनियंस है वो वापस से रिटर्न करने वाले हैं। और गाइस उसके अगले सीन के अंदर हमने ऐश के सारे अलोला के पोकेमॉन्स भी देखे थे। इसका मतलब गाइस आने वाले शायद से एक एपिसोड के अंदर या फिर दो अलग अलग एपिसोड होंगे, फर्स्ट एपिसोड के अंदर ऐश के सारे कंपेनियंस आएंगे यानी, एंड साथ साथ उसका राइवल भी था जो कि उसके साथ फाइनल में उसकी बैटल हुई थी वो वाला बंदा। एंड उसके बाद गाइस एक और मतलब जो सारे पोकन रिटर्न करने वाले हैं। एक बड़ा सा क्वेश्चन है, क्या इनमें से कोई पोकन ऐश के साथ उसकी बैटल में पार्टिसिपेट कर सकता है? तो गाइस इसका आंसर बेसिकली मुझे नहीं पता, लेकिन ऑफिशियली वो जो कंफर्म हो चुका है कि वो अपडेट होने वाले हैं, तो शायद से इनमें से कोई पोकेमोन ऐश के साथ बैटल भी कर सकता है। अगर ऐसा एक पोकेमोन अगर जो मतलब आपको क्या लगता है अगर ऐश को कोई एक पोकन चूज करना हो ऐश के सारे अलोला टीम में से तो कौन हो सकता है? मेरे ख्याल से मुझे सबसे ज़्यादा इन टीम इन सारे के सारे पोकन में से मेल मेटल सबसे ज़्यादा मेरा फेवरेट है। मुझे लगता है अगर वो किसी एक को लेना चाहेगा तो वो मेल मेटल होना चाहिए। और बात करें उसके राइवल्स की तो राइवल सिर्फ छोटा सा अपीयरेंस होगा मुझे लगता है इनमें से किसी के साथ बैटल होगी या फिर इनका कोई ज़्यादा मेजर रोल होगा। सो आप नेक्स्ट डिटेल देखते हैं। उसके बाद गए ओपनिंग सॉन्ग के अंदर हमने ऐश को देखा गया, ऐश के सारे पोकेमॉन्स के अलग अलग शॉट्स देखे, जहाँ पे हमें ऐश के पोकेमॉन जो बेसिकली काफ़ी पावरफुल दिखाए गए हैं। जहाँ पे हमने देखा गया जो है सबसे पहले मेगा लुकारियो देखा, उसके बाद ऐश का जो है जी मैक्स गेंगार देखा जो कि बैटल में जितना खतरनाक नहीं होता गए उतना ओपनिंग सॉन्ग के अंदर वो खतरनाक लग रहा था। सच्ची बात गए हमने ऐश के पिकाचू को जी मूव करते हुए भी देखा एंड गए बाकी हमने ऐश के तीनों पोकेमॉन देखे, सर्फेस, ड्रैगनाइट एंड ड्रैकोविश, जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल लग रहे थे। बेसिकली मुझे लगता है वो उनका हिंट कर के आने वाले समय में गाइस ऐश और भी ज्यादा पावरफुल होने वाले हैं, उनके पोकेमॉन की जो गाइस और भी खतरनाक बैटल होने वाले हैं। बेसिकली हम सब वही देखना चाहते हैं। तो अब नेक्स्ट डिटेल पे बढ़ते हैं। तो गाइस ओपनिंग सॉन्ग में जो हमने अगली डिटेल देखी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये ध्यान से सुनना। अगले वाले सीन के अंदर हमने देखा गाइस गो, असाई एंड सुरुकी को, जिन्होंने सेम वो जैकेट पहना था जो कि गाइस मतलब जब वो आइस माउंटेन पे जाते वो पहनते हैं, वो बेसिकली वो ऑरेंज वाला। एंड गाइस असाई, सुरुकी एंड गो जो है आगे देख रहे थे, आगे एक माउंटेन था जिस माउंटेन से गाइस अचानक तोड़ के जो है वहाँ से निकलता था रिजिगिगल जो कि काफ़ी ज़्यादा ह्यूज था, काफ़ी ज़्यादा जायंट था, और जिसे हमने काफ़ी दिनों के बाद देखा एनिमे के अंदर। और उसके साथ उसके दो चेले भी थे जो कि था गाइस रेजी ड्रैगो एंड
एंड रिजी एली की। एंड गाइस एक मैंने पहले ही मैंने कहा था गाइस कि बहुत ही जल्दी रिजी ड्रैगो एंड रिजी एली की जो गाइस क्योंकि ये मतलब अपीयरेंस करने वाले हैं, डेब्यू करने वाले हैं, क्योंकि इनसे रिलेटेड बहुत सारे मर्च आ रहे थे। एंड फाइनली गाइस आने वाले एपिसोड के अंदर रिजी की गाइस के साथ रिजी ड्रैगो एंड रिजी एली के भी अपीयर होने वाले हैं। सो गाइस मेरी जो पिछली वीडियो थी ओपनिंग सॉन्ग की, जिसके अंदर मैं बेसिकली ये सीन देखते हुए मैंने कहा था गाइस रिजी एली की एंड रिजी ड्रैगो अपीयर होने वाले, तो गाइस वहां पे मैंने एक डिटेल मिस कर दी थी जो कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। इस फोटो के अंदर जहां पे मैं एरो कर रहा हूं वहां पे देखो, जहां पे हमें उन तीनों के पीछे और भी नीचे तीन पोकन है जो कि रिजी स्टील, रिजी रॉक एंड रिजी आइस। गाइस पहली बार ये डिटेल मैंने कंप्लीटली मिस कर दी थी क्योंकि मैं सिर्फ ऊपर देख रहा, नीचे मैंने देखा नहीं। नीचे आप देख सकते हो यहां पे तीन रिजीज नहीं, यहां पे पूरे के पूरे छह रिजीज है। नीचे रिजी स्टील, रिजी रॉक एंड रिजी आइस भी यहां पे हमने देखा। गाइस रिजी आइस को पहले ही जो असाइन सुरगी का उर्शिफ था उसने हरा दिया था ना, उस रिजी रॉक को भी हमने देखा था जहां पे जो ड्रेक वाला एपिसोड था उसके लास्ट में हमने रिजी रॉक एक छोटी सी झलक देखी थी। उसके साथ हमें आगे क्या हुआ वो पता नहीं चला ना ही चलेगा। आने वाले एपिसोड के अंदर आप देख सकते हो छह के छह रिजीज अपीयर होने वाले। इनका मुझे लगता है गाइस पोकेमोन का जो प्रोजेक्ट में एक वापस एक न्यू आर्क स्टार्ट होने वाला है, जिसके अंदर जो है हर एपिसोड के अंदर ये जो एक एक रिजी एक्सप्लोर करेंगे, या फिर मुझे लगता है दो या फिर तीन एपिसोड होंगे जहां पे दो ही एपिसोड के अंदर जो ये सारे के सारे रिजीज को पकड़ लेंगे या फिर हरा लेंगे। हमें बेसिकली पता नहीं कि प्रोजेक्ट म्यू के अंदर जो रिजीज का क्या रोल होने वाला है, क्या इन्हें पकड़ना है या फिर इन्हें सिर्फ रिसर्च के लिए इनका कुछ एक छोटा सा टुकड़ा चाहिए, हमें बिल्कुल भी पता नहीं है। इसलिए हम पता नहीं मतलब बता नहीं सकते कि एग्जैक्टली रिजीज का इस मतलब प्रोजेक्ट म्यू के अंदर क्या रोल रहने वाला है, लेकिन ये जिस एपिसोड के अंदर अपीयर होने वाला है क्योंकि मजा आने वाला है। और इन एपिसोड के अंदर शायद से मुझे गो का कुछ मतलब ऐश का कोई ज्यादा रोल नहीं देखता गाइस, क्योंकि यहाँ पे हमें प्रोजेक्ट म्यू के स्टार्टिंग में हमें सिर्फ तीन बंदे दिखाए गए, असाई सुरुगी एंड गो। यहाँ पे बेसिकली ऐश की एक छोटी सी झलक भी दिखाई नहीं गई। तो गाइस अब हम बात करने वाले हैं गाइस क्लोई के पोकेमोन परफॉर्मर बनने के बारे में एंड साथ ही साथ सरीना के रिटर्न के बारे में। जैसा कि ओपनिंग सॉन्ग में हमने बहुत सारे कैरेक्टर के छोटे छोटे अपीयरेंस देखे, जिससे हमें पता चला कि ये कैरेक्टर रिटर्न करने वाला है, ये पोकेमोन आने वाले। लेकिन एक कैरेक्टर जिसने सब मतलब एक कैरेक्टर जो कि बिल्कुल भी नहीं दिखा, जिसको बहुत सारे बंदों ने मिस किया एंड मुझे काफ़ी सारे बंदों ने पूछा एंड काफ़ी सारे मैंने अदर वीडियो देखे जहाँ पे काफ़ी सारे बंदे पूछ रहे थे कि एग्जैक्टली सरीना एग्जैक्टली है कहाँ पे, भाई सरीना यहाँ पे क्यों नहीं दिखी। तो बेसिकली यहाँ पे मैं मेरी छोटी थियरी में आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, जिससे सरीना एग्जैक्टली कब आ सकती है ये मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ। तो बेसिकली ओपनिंग सॉन्ग के एक सीन में हमने देखा कि क्लू एंड उसकी ईवी को, जिन्होंने सेम टू सेम वैसा ही आउटफिट पहना था, मतलब थोड़ा सा अलग सा कलर थोड़ा सा अलग हो सकता है, जो कि आप देख सकते हो बेसिकली ये है क्लोई का वो आउटफिट एंड यहाँ पे सरीना का आउटफिट देख सकते हो, जहाँ पे दोनों की जो ईवी है सेम टू सेम है। जहाँ पे आप देख सकते हो उनके यहाँ पे मतलब सर के ऊपर कुछ तो सेम टू सेम वो है एंड गाइस उसके बाद आप देख सकते हो सरीना एंड जो मतलब क्लोई उनके जो आउटफिट है सेम टू सेम लग रहा है। एंड सरीना आपको पता था गाइस मतलब पता है पोकेमोन शोकेस के अंदर वो पार्टिसिपेट करती थी, मतलब जहाँ पे पोकेमोन परफॉर्मर पार्टिसिपेट करते हैं, बेसिकली मुझे लगता है इन कपड़े से तो मुझे लगता है क्लोई भी जो है पोकेमोन शोकेस के अंदर पार्टिसिपेट करने वाली है, शायद से वो भी एक पोकेमोन परफॉर्मर बनना चाहती है। ऐसा ही तो गाइस आने वाले एपिसोड के अंदर शायद से वो जाएगी गाइस कैलोसरीजन एंड उसके साथ शायद से गो एंड आइस भी जा सकते हैं। एंड मुझे लगता है इस एपिसोड के अंदर ऐसे पोकेमोन जो शोकेस होता है जहाँ पे पोकेमोन परफॉर्मर पार्टिसिपेट करते हैं, जहाँ पे क्लोई जाएगी एंड वहाँ पे शायद से सरीना अपीयर हो सकती है, और इसलिए शायद से इंट्रो सॉन्ग के मतलब ओपनिंग सॉन्ग के अंदर उसका अपीयरेंस नहीं हुआ। तो बेसिकली मुझे लगता है वो एक स्पेशल एंट्री या फिर सरप्राइज एंट्री कर सकती है एनिमे के अंदर, लेकिन वो अपीयर तो होगी। ये जस्ट मेरी थियरी, पता नहीं ये सच होगी या फिर झूठ, लेकिन मैं चाहता हूँ यार सच हो जाएगा इस, क्योंकि बहुत से बंदे मिस कर रहे हैं सरीना को। तो अब नेक्स्ट डिटेल एक्सप्लेन करते हैं। ओपनिंग सॉन्ग में हमने आगे देखा गाइस गैरी एंड उसके तीन पोकेमोन को, जो कि थे गाइस अम्ब्रियन, टायरेनिटार एंड उसका आर्कन एंड गाइस। और ये वाला सीन है गाइस एपिसोड 102 का, जिस एपिसोड के अंदर गाइस प्रोजेक्ट म्यू का होने वाला आर्टिकोनो के साथ बैटल करने वाला है, और यही तीनों पोकेमोन गैरी के उस एपिसोड के अंदर अपीयर होने वाले हैं। तो मुझे लगता है बेसिकली गैरी का एपिसोड 102 का एक सीन होगा। एंड उसके बाद हमने हॉरस को भी देखा जो कि एपिसोड 102 के अंदर रहने वाला है, और यहाँ पे हमने उसके दो पोकेमोन देखे जो कि बेलीफ एंड गार्डिवर, एंड इसके पास एक और पोकेमोन है जो कि प्रोजेक्ट म्यू के उस एपिसोड के अंदर अपीयर होने वाला है। तो यहाँ पे गैरी एंड होरेस का बेसिकली एपिसोड 102 का ये सीन होने वाला है। तो अब आगे देखते हैं। उसके बाद हमने एक एक सेकंड के लिए देखा गाइस आयरिस को, उसके बाद हमने देखा बोनी एंड क्लेमेंट को। सो गाइस आयरिस जो है इसका सेकंड टाइम अपीयरेंस करने वाली एनिमे के अंदर, फर्स्ट टाइम तो ऐश के ड्रैगन एट वर्सेस इसके ड्रैगन एट के बीच में बैटल हुई, तो मुझे लगता है आने वाले समय के अंदर फिर से आयरिस अपडेट होगी, और इस बार शायद से बैटल ना हो या फिर से बैटल होने वाले। भाई यार मुझे पता नहीं यार पोकेमोन कोरोनेशन सीरीज में एक ट्रेनर के साथ दोबारा बैटल होती है या फिर नहीं, शायद से अगर ना होगी तो इसका शायद से कोई नॉर्मली अपीयरेंस होगा। एंड उसके बाद हमने जैसे देखा गाइस बोनी एंड क्लेमेंट को भी देखा, जो कि गाइस जहां पे मतलब क्लेमेंट उसके फिर से एक्सपेरिमेंट में फेल हो गया था एंड वहाँ पे बेसिकली एक छोटा सा एक्सप्लोजन हो गया था। और आने वाले एपिसोड के अंदर जैसे कि मैंने कहा शायद से जो क्लोई है पोकेमोन शोकेस के लिए जा सकते हैं कैलोसरीजन, एंड मुझे लगता है उसी एपिसोड के अंदर शायद से आज जो है क्लेमेंट एंड बोनी से मिल सकता है, और उसी एपिसोड के अंदर शायद से सरीना भी अपीयर हो सकती है। यानी कि एक एपिसोड के अंदर मुझे नहीं लगता कैलोस गैंग अपीयर होगी, अलग अलग एपिसोड के अंदर शायद से अलग अलग टाइम पे अलग अलग कैरेक्टर अपीयर होने वाले हैं।
सॉरी गाइज फॉर बैकग्राउंड नॉइसेस एंड गाइज आने वाले एपिसोड के अंदर ये सब रिटर्न करने वाला है। सरीना के बारे में फिर भी कंफर्म नहीं, लेकिन बूनी एंड क्लेमेंट के बारे में तो कंफर्म है। सो गाइज शायद से मुझे लगता है क्लेमेंट ने पार्टिसिपेट किया होगा या फिर वर्ल्ड कोलिनेशन सीरीज के अंदर, जहाँ पे इसी सिलसिले में शायद से उसके ऐश के साथ बैटल हो, और वो भी एक पोकेमॉन ट्रेनर साथ जिम लिमिटेड है, तो मुझे लगता है उसने भी वर्ल्ड कोलिनेशन सीरीज के अंदर शायद से पार्टिसिपेट किया होगा। तो अब ज़्यादा अंदर नहीं जाते, सीधा अगली डिटेल एक्सप्लेन करते हैं। और इसके बाद वाले सीन में हमने गाइस 2 सेकंड के लिए देखा गाइस पॉल को। जी हाँ गाइस, फाइनली पॉल भी एनिमी के अंदर अपीयर होने वाला है, जिसके लिए वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट ट्राइबल है गाइस ऐश का गैरी के पास, जिसे हमने काफ़ी ज़्यादा चाहा गाइस, क्योंकि इसके पोकॉन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे एंड बेसिकली ऐश के इंफरनेप से इसका इलेक्टेबार बहुत ही बुरी तरह से हारा था। एंड इसको हमने 2 सेकंड के लिए देखा है, जिसके चेहरे पर अभी भी वही गुस्सा है, शायद से वो अभी भी जल रहा है बदले की आग में कि ऐश ने उसको कैसे हरा दिया। आने वाले एपिसोड के अंदर शायद से इसके ऐश के साथ इसकी वर्ल्ड कोरोनेशन सीरीज के अंदर बैटल हो। एंड गाइस जैसे कि टाइटल में हमने देखा, क्या पॉल टॉप 8 में है? ऐसा मुझे बहुत से बंदों ने पूछा, तो गाइस बेसिकली मुझे तो नहीं लगता। गाइस बेसिकली ऐश की फिलहाल हमने देखी रैंकिंग उसकी 15 है, तो मुझे लगता है जो पॉल है गाइस उसके शायद से थोड़ा सा ऊपर हो सकता है, मे बी उसकी टॉप 8 के बाद शायद से 9, 10, 11, 12, 13 या फिर 14 उसकी रैंक हो सकती है, और आने वाले समय के अंदर मुझे लगता है वो भी हाइपर क्लास में ही है। तो बेसिकली मुझे लगता है ऐश एंड जो पॉल है गाइस उनके हाइपर क्लास के अंदर बहुत ही जल्दी बैटल होने वाली है। मास्टर क्लास के अंदर मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता पॉल हो, शायद से हो भी सकता है, लेकिन चांसेस मुझे कम लगते हैं। 90% मुझे लगता है कि ये पॉल बेसिकली हाइपर क्लास के अंदर ही है, और आने वाले एपिसोड के अंदर ऐश वर्सेस पॉल की बैटल होने वाली है। तो अब अगली डिटेल देखते हैं। सो गाइस अब हम बात करने वाले फाइनली, मुझे लगता है बहुत से लोगों ने स्किप करके सीधा यही वाला पॉइंट लगा दिया होगा, क्या जिस ग्रे निंजा को हमने ओपनिंग सॉन्ग के अंदर देखा, क्या वो सच में ऐश का ग्रे निंजा है? तो गाइस इसके अब मैं आपको 3 बड़े रीजंस बताने वाला हूँ कि क्या वो ग्रे निंजा सच में ऐश का है। इसके 3 बड़े रीजंस मेरे पास है कि जी हाँ, ये ऐश का ही ग्रे निंजा है। बेसिकली ये रीजंस आपको स्टूपिड लग सकते हैं, लेकिन जो बंदे स्टूपिड क्वेश्चन पूछ रहे हैं क्या ये सच में ऐश का ग्रे निंजा है, उनके लिए 3 स्टूपिड आंसर्स मैं बता देता हूँ। फर्स्ट इज ये गाइस, जहाँ पे हमने देखा कि ऐश ने उसके ग्रे निंजा को एक जंगल में छोड़ दिया था, जो कि बेसिकली ऐसा ही लग रहा था। इस वाले सीन में हमने देखा जो ग्रे निंजा है बेसिकली एक जंगल में था, तो ये रहा फर्स्ट रीजन कि ऐश का ग्रे निंजा है। सेकंड रीजन है गाइस कि जो उस ग्रे निंजा के ऊपर, ऐश के ग्रे निंजा के ऊपर कोई बर्थ मार्क नहीं था, और इसके ऊपर भी कोई बर्थ मार्क नहीं है, तो बेसिकली ये ऐश का ग्रे निंजा हो सका है। और थर्ड रीजन है कि शायद से गाइस आपको पता होगा ऐश का ग्रे निंजा जहाँ पे छूटा था, गाइस ग्रे निंजा उसका इंतजार कर रहा होगा, क्योंकि उसे कहा था वो बहुत ही जल्दी लेने आएगा, और इस ग्रे निंजा को हमने देखा कि मतलब चांद की तरफ देखता हुआ अभी भी किसी का इंतजार कर रहा है। तो ये है थर्ड रीजन कि ऐश का ही ग्रे निंजा है। तो आपको स्टूपिड लगे होंगे ये आंसर्स, तो भाई स्टूपिड क्वेश्चन के स्टूपिड आंसर ही मिलते हैं। सो गाइस ऐश का ग्रे निंजा रिटर्न करने वाला है, एंड फाइनली ऐश उसे लेके आने वाला। एपिसोड के नंबर के बारे में मत पूछना, क्योंकि मुझे भी नहीं पता। तो आप नेक्स्ट डिटेल देखते हैं। सो गाइस अब वीडियो का फाइनल पॉइंट आ चुका है, जहाँ पे शायद से डिबेट हो सकती है कि नहीं भाई ये नहीं है, नहीं भाई ये हो सकता है शायद से। तो गाइस अब मैं बात करने वाला गाइस, हमने एक सीन देखा, मतलब ओपनिंग सॉन्ग का सबसे लास्ट वाला सीन देखा, जिसमें गाइस ऐश एंड लियोन की काफ़ी खतरनाक वाली बैटल हो रही थी, जहाँ पे लियोन का चेहरा काफ़ी ज़्यादा औसम लग रहा था, और उसका जिगेंटा मैक्स चैरिज़ार्ड तो उससे भी ज़्यादा खतरनाक था। और उसके उस सीन के अंदर हमने देखा गाइस जो लियोन का जिगेंटा मैक्स चैरिज़ार्ड है वो गाइस बैटल कर रहा था ऐश के मेगा लुकारियो के साथ, और यहाँ पे हमने सिर्फ वैसा ही सीन देखा जैसे गाइस ऐश वर्सेस जो बी आई की मैच होती है, जहाँ पे जिगेंटा मैक्स वर्सेस मेगा हो रहा था। बेसिकली ये सीन के अंदर भी वैसा हो रहा था, यहाँ पे जिगेंटा मैक्स चैरिज़ार्ड वर्सेस ऐश के मेगा लुकारियो की बैटल थी। यहाँ पे गाइस एक सीन के अंदर हमने देखा ऐश का मेगा लुकारियो सेम वैसा ही ऑरा स्फीयर यूज करता है जैसे कि उसने बी आई के मैच में यूज किया था, एंड उसने जिगेंटा मैक्स मैचम को हरा दिया था। और ये सीन मुझे लगता है गाइस ऐश और लियोन की जो फाइनल मैच होने वाली है, जी हाँ गाइस पोकेमॉन जर्नीज का जो लास्ट एपिसोड होगा जिनमें इन दोनों की बैटल होगी, ये सीन मुझे लगता है गाइस ये सीन जो है उसी एपिसोड का होगा जहाँ पे इन दोनों की फाइनल बैटल होगी, जहाँ पे ऐश का मेगा लुकारियो बैटल करेगा जिगेंटा मैक्स चैरिज़ार्ड के साथ, एंड ऐश जीतेगा एंड वो नया चैंपियन बन जाएगा, या फिर मैं ज्यादा ही फेक रहूं। ये सीन गाइस मुझे लगता है लास्ट वाला ही सीन है, लेकिन ऐश जीतेगा या फिर नहीं ये हमें पता नहीं। उसने जिगेंटा मैक्स मैचम को तो हरा दिया, लेकिन पता नहीं लुकारियो जिगेंटा मैक्स चैरिज़ार्ड को हरा पाएगा या फिर नहीं। लेकिन ये मेगा लुकारियो काफी ज्यादा स्ट्रांग मूव है, इसने जिगेंटा मैक्स मैचम को भी हरा दिया, तो चैरिज़ार्ड कौन सी बड़ी बात है। तो गाइस ये फाइनल सीन का मतलब फाइनल बैटल का एक सीन हो सकता है, ऐसा मुझे लगता है, ये मैं गलत भी हो सकता हूँ। तो गाइस आज की वीडियो के अंदर इतने थे, एंड गाइस वीडियो मुझे पता है काफ़ी ज़्यादा बड़ी बनी है, लेकिन मैंने ट्राई किया गाइस आपके हर एक क्वेश्चन को अच्छे से अच्छे एक्सप्लेन करने का, एंड ये वीडियो गाइस मुझे पता है काफ़ी ज़्यादा ऑसम बनी है। तो मुझे लगता है आप इस वीडियो को लाइक तो करोगे मेरे डेडिकेशन के लिए और मेरे एक अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए। फिर भी अगर आप सोचते हो मेरी कहीं पर गलती हो गई हो, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो कि भाई तेरी यहाँ पर गलती हुई, ऐसा नहीं हो सकता, मैं कमेंट के अंदर आंसर दे दूंगा या फिर उसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना दूंगा। लेकिन आप मुझसे कोई गलती हो गई होगी तो बता सकते हो, एंड गाइस वीडियो पसंद हो गई तो वीडियो को लाइक कर सकते हो,
एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो ऐसे अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। गाइस वीडियो के लास्ट में एक पॉकेट क्विज आपका इंतजार कर रहा है, उसका आंसर दे देना। बाय।